खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के पंडरिया नवाटोले स्थित विश्ववाणी चर्च के पादरी सामुएल तीडू ने तोरपा थाने में आवेदन देकर विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेताओं पर चर्च में जबरन ताला जड़ने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विहिप नेता प्रिया मुंडा ने अपने दो अन्य साथियों के साथ जबरन चर्च का ताला तोड़कर नया ताला जड़ दिया। वहीं दूसरी ओर विहिप नेता प्रिया मुंडा ने भी कार्रवाई की मांग को लेकर पादरी सामुएल तीडू पर झूठा आरोप लगाने और गांव के लोगों को बहकाने का आरोप लगाया है। थाने को सौंपे आवेदन में प्रिया ने कहा कि वह एक न्यूज चैनल के साथ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक स्टोरी बनाने के लिए पंडरिया नवाटोली गई थी। इसी क्रम में वह अपने साथियों के साथ गाँव के पादरी सामुएल तीडू से भी बात करने गई थी। इसी बीच कुछ लोगों ने खुद ही चर्च का ताला तोड़कर नया ताला लगाते हुए उन पर ताला तोड़ने का आरोप लगा दिया। सामुएल तीडू के समर्थकों ने उनकी गाड़ी के टायर भी किसी धारदार हथियार से काट दिए। उधर सामुएल तीडू ने आरोप लगाया है कि ये लोग मसीही विश्वासियों को डराने धमकाने आए थे। सोमवार को देर रात तक तोरपा थाना में दोनों पक्ष के लोग जुटे रहे। मामले की सूचना मिलने के बाद तोरपा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश तिवारी तोरपा थाना पहुंचे और जानकारी ली। मामले पर उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से आवेदन ले लिया गया है, मामले की जांच की जाएगी कि दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देर रात तक थाना परिसर में दोनों पक्षों के लोग जमे रहे।